प्यारे दिल्ली वासियों, आज हम चर्चा करेंगे मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2019 की, जिसकी आज ये दूसरी कड़ी है, जिसके अंदर आज हमने ये जानकारी हासिल करी दिल्ली सरकार से कि दिल्ली में टोटल लगभग 940 प्रदूषण केंद्र है और प्रतिदिन 40 से 50,000 के लगभग व्हीकल जो है उनका प्रदूषण चेक किया जा रहा है, जबकि दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा लगभग व्हीकल रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने व्हीकल हर रोज चेक हो सकते हैं और कितने महीने के अंदर, जबकि 2 पहिया व्हीकल्स के लिए 3 महीने के अंदर दोबारा पॉल्यूशन कराना जरूरी है। ऐसे में दिल्ली सरकार के पास कोई उपलब्ध साधन नहीं है कि सारे व्हीकलों का रजिस्ट्रेशन 3 महीने के अंदर प्रदूषण चेक किया जा सके, और कोई जरूरी दिशा निर्देश भी नहीं है और पेट्रोल पंपों पर इतनी स्पेस भी नहीं है कि वहां इसके लिए अलग से लाइन लग सके। तो ये चीज सरकार को, दिल्ली सरकार को रखनी चाहिए थी केंद्र सरकार के पास, कोर्ट के द्वारा या अपने लिखित आदेश के द्वारा, लिखित प्रार्थना पत्र के द्वारा दिल्ली की जनता के हित में, ताकि उनको इस तरह की समस्या ना हो। और एक तरफ ये इसका प्रदूषण चेक करने का पैसा भी कम होना चाहिए, 10 रुपए 20 रुपए, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा रेट हैं और दिल्ली की जनता के जो ऑलरेडी मंदे की मार से जूझ रही है उसके ऊपर ये एक बोझ है, अतिरिक्त बोझ, और इसकी ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए, केंद्र सरकार का भी। मैं माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी से और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और चीफ सेक्रेटरी विजय देव जी से ये गुजारिश करूंगा कि इस ओर भी ध्यान दें और जनता को कुछ नियमों में रियायत दें। इसी के साथ मैं आगे शब्दावली को विराम देता हूं।